लोगों से सुन रहे हैं कि हमारे साथ साइबर क्राइम हो गया। तो क्या आप जानते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम एग्जैक्टली होता कैसे है? साइबर क्राइम किस किस टाइप से होता है? अभी रिसेंटली जो है ट्रेंडिंग साइबर क्राइम कौन कौन से हो रहे हैं लोगों के साथ, और अगर आपके साथ भी साइबर क्राइम हो गया है तो आपको उससे बचना कैसे है? आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी, इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप करें देखें, ताकि आपको भी सारी साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हेलो टू एवरीवन, नेहा रामवानी दिस साइड एंड वेलकम टू ऑनलाइन लीगल सेंटर। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लीगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम साइबर क्राइम से रिलेटेड एंड लीगल इशू से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारी टीम में लॉयर, एडवोकेट एंड साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जो कि अपने अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं एंड आपको इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी लीगल इशू से रिलेटेड प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करते हैं। साइबर क्राइम होता क्या है? अगर कोई साइबर क्रिमिनल इंटरनेट को यूज़ करके, मोबाइल एंड लैपटॉप जैसे डिवाइस को यूज़ करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकाल ले, आपको आपके डेटा को निकाल ले एंड देन आपके बैंक अकाउंट या फिर आपको फाइनेंशियली आपके साथ स्कैम कर दे एंड देन आपको डिफॉर्मेट करे, आपको ब्लैकमेल करे, तो इसी टाइप की क्राइम को कहा जाता है साइबर क्राइम। क्या आप जानते हैं कि कौन कौन से साइबर फ्रॉड ट्रेंडिंग में है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से साइबर फ्रॉड ट्रेंडिंग में है। फर्स्ट, जॉब फ्रॉड, जिसमें आपको कहा जाता है कि हम आपको जॉब देंगे, आप उनको रजिस्ट्रेशन फीस दे देते हैं एंड काफ़ी सारी फीस दे देते हैं, बट आपको कोई भी जॉब नहीं मिलती है एंड आपका पैसा चला जाता है। सेकेंड आपके साथ होता है टास्क फ्रॉड, जिसमें आपको बोला जाता है कि आप ये टास्क परफॉर्म कीजिए एंड फिर आपका पैसा डबल हो जाता है, पर आपका कोई पैसा डबल नहीं होता, उल्टा आपका पैसा डूब जाता है। थर्ड आपका आता है डेटा एंट्री जॉब फ्रॉड, जिसमें आपसे डेटा एंट्री का टास्क दिया जाता है और आपसे एग्रीमेंट भी साइन कराया जाता है एंड जब आप वो डेटा एंट्री टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको उस डेटा एंट्री टास्क में कोई ना कोई मिस्टेक निकालते हैं एंड आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे एंड फिर आपके साथ स्कैम हो जाता है। फोर्थ, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग स्कैम, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें क्या होता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अकाउंट पर आपके पास सडनली एक न्यूड वीडियो कॉल आएगा एंड आप उसको पिक कर लेंगे एंड ये लोग आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे, देन आपको ये लोग ब्लैकमेल करेंगे। फिफ्थ है आपका सोशल मीडिया क्लोन स्कैम, जिसमें आपके इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के अकाउंट की क्लोन आईडी बना दी जाती है एंड फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। सिक्स है आपकी सोशल मीडिया हैकिंग स्कैम, जिसमें आपकी फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम की आईडी हैक कर ली जाती है, आपका ईमेल आईडी एंड नंबर चेंज कर दिया जाता है, फिर आप उस पर एक्सेस ही नहीं कर पाते, देन ये लोग आपसे पैसे की डिमांड करते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं। सेवेंथ आपका आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम, जिसमें आप लोगों को ये लोग ब्रांडेड चीज़ें कम प्राइस में दिखा देंगे एंड आप वो उनको पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि आप अट्रैक्ट हो जाएंगे कि हमें इतनी अच्छी चीज़ें इतने कम प्राइस में मिल रही हैं एंड बट आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी एंड आपका पैसा डूब जाएगा। एट है आपका ऑनलाइन लोन फ्रॉड, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, KYC के नाम पर आपके पर्सनल फोटोज़ और पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट पर एक्सेस कर लेते हैं एंड फिर आपके फोटोज़ को गंदी तरीके से एडिट करके आपको ब्लैकमेल करते हैं। आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप इतना पैसा ट्रांसफ़र करिए, नहीं तो हम आपके फ़ोटो को लीक कर देंगे। नाइन्थ है आपका बैंक OTP फ्रॉड, जिसमें आपको कोई भी बैंक मैनेजर बन के कॉल करेगा एंड आपसे OTP मांग लेंगे, फिर आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, तो इसी तरीके से आपके साथ स्कैम होते हैं। तो इस टाइप के साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो जब आपको सामने वाले के बारे में पूरा ना बताओ तब तक आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको बताएं ना, देन आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2-step वेरिफिकेशन लगाएं। अगर कोई पर्सन आपके ऑनलाइन कॉन्टेक्ट में आता है तो उस पर आप जल्दी भरोसा ना कर लें, पहले आप पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन लें देन आप भरोसा करें एंड ऑल्सो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट रखें एंड आपको सोशल मीडिया पर कोई भी ऑफर ऐसा लग रहा है जो आपको जेन्युइन नहीं लग रहा है तो आप उस पर जल्दी से ट्रस्ट ना करें और कोई भी पैसा ट्रांसफर ना करें। तो आप इन बातों का ध्यान रखें इस टाइप के फ्रॉड से बचने के लिए। अगर फिर भी आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने नियर बाय साइबर सेल में कंप्लेन करनी है एंड देन आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल अगर स्कैम हुआ है तो आपको अपने बैंक को जाके अप्रोच करना है, देन आपको अपनी RBI में कंप्लेन करनी है एंड इफ आपको इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम है देन आप हमारे साइबर एक्सपर्ट लॉयर से कॉन्टेक्ट कीजिए, स्क्रीन पर आपको हमने उनका नंबर दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आए आपके पास जल्दी ही पहुंचे। सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।